मैं नाराज तुमसे नहीं हूँ, मैं नाराज तो अपने आप से हूँ। औकात देखी नहीं अपनी और तुमसे प्यार करने चला था। सॉरी यार। लॉकडाउन के बाद पता नहीं सब क्या क्या करेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुमसे मिलना। शीशा बड़ा छेड़दा मेरे मरने के बाद, ऐ दोस्त तू आंसू मत बहाना। मेरे मरने के बाद, ऐ दोस्त तू आंसू मत बहाना। अगर मेरी याद आए तो सीधा ऊपर चले आना। भाई साहब स्वर्ग में सेटिंग करेंगे परियों के साथ। वहाँ तक तो साथ चल जहाँ तक मुमकिन है, जब हालात बदलेंगे तो तू भी बदल जाना। एक सवाल है, क्या कोई लड़की एक लड़के से जिंदगी भर प्यार कर सकती है, बताओ। बाबू हैप्पीनेस की स्पेलिंग बताना। हैप्पीनेस की यू एन एम ए डबल आर आई ई डी। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। तुम्हारी दुनिया में हमारी कोई कीमत हो या ना हो, तुम्हारी दुनिया में हमारी कोई कीमत हो या ना हो, मगर हमारी दुनिया में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे जरूरी हो। ये कुछ लाइन सच्चे दोस्तों के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कि दोस्त तेरी तरह हर कोई मेरी गलती माफ नहीं करता, कि दोस्त तेरी तरह हर कोई मेरी गलती माफ नहीं करता। और आंसू तो सब देते हैं यार दोस्त, लेकिन कोई तेरी तरह मेरी आंखों के आंसू साफ नहीं करता। लव यू यार। तुम्हें दूर से देखूंगा, मुलाकात नहीं करूंगा, लोग तुम्हें गलत समझे, ऐसे हालात नहीं करूंगा। तुम डरना मत, मुझ पे भरोसा रखना, मैं तेरे बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करना, वक्त और किस्मत पे कभी घमंड ना करना। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। पहले बम्बई दिल्ली से आवत रहे तो गांव वाले कहते रहे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अब कहते हैं बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को फोन करो। जाओ एक कोरोना तोरे बहन माता कीकर दौड़ावे कुल व्यवहार। दिल की बात कह दी है मैंने, अब तुम भी कह दो ना। इश्क ना सही, रिश्ता दोस्ती का ही निभा लो ना। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते, मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। इस दिन तुम्हारा साथ कोई ना देना तो एक बार याद करना, पूरी दुनिया देखेगी कि तुमसे मोहब्बत किसने की थी। ये जो मेरे अलावा तुम पे मरते हैं, ये मर क्यों नहीं जाते। वो भी क्या दिन थे ना, कि जब तुम हमारी एक कॉल के लिए तरस जाया करते थे, और आज क्या हुआ तेरा वादा। जब आपका बीपी हाई हो तो साली से बात कर ले, और जब आपका बीपी लो हो जाए तो घरवाली से बात कर ले। भैया ये सैनिटाइजर है क्या? पूरी दुनिया सैनिटाइजर कर रही है। ये एक मेडिकल परिवार का एक ऐसा लड़का है जो बिना पढ़े लिखे रातों रात कलेक्टर बन गया। हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। अरे क्या हुआ तुझे? यार मेरा एक दोस्त मुझसे रूठा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उसे मारने के लिए कौन सी कंपनी की चप्पल अच्छी रहेगी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर उनसे बढ़कर और कुछ मांगा ही नहीं है दुआ में मैंने, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि खुद गर्जी किसे कहते हैं। अच्छा ठीक है ना, तुमको जितना गुस्सा करना है उतना गुस्सा कर लो, तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन छोड़ के जाने का नहीं। दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसे ले। एक टकले को देखा तो ऐसा लगा उजड़ा चमन जैसे, बिना बालों की दुकान जैसे, सर पे रेगिस्तान जैसे, आया हो तूफान। अगर तुम समझते हो कि प्यार सगल देखकर होता है तो बिल्कुल सही समझते हो तुम। सगल ही खराब है हमारी। और ये एक लाइन मेरे प्यार के लिए,
कि प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, कि प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी निभाया जाए। सेना, एक तरफ पैसा पड़ा हो, एक तरफ अक्कल पड़ी हो, तुम क्या उठाओगे? पैसा? अरे पागल, मैं होता तो अक्कल उठाता। हाँ सर, जिसके पास जिसकी कमी हो वो वही उठाता। ना सिगरेट को छुआ कभी, ना कोई और नशा, ना आदत शराब की, जाने कैसे पड़ गई हम लाथ जनाब की। अगर आपका बॉयफ्रेंड बार बार पर गुस्सा होने लगे ना, तो वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं, आपका हस्बैंड बनना चाहता है। इश्क करने वालों की किस्मत बुरी होती है, मुलाकात जुदाई से जुड़ी होती है, और कभी वक्त मिले तो इश्क की किताब पढ़ लेना, और कभी वक्त मिले तो इश्क की किताब पढ़ लेना। इश्क करने वालों की किस्मत बुरी होती है। माँ की बराबरी क्या कोई कर पाएगा, कि माँ की बराबरी क्या कोई कर पाएगा। मंदिरों में खुदा को पूछते हो ना, माँ के पैर पकड़ लो, जमीन पे स्वर्ग मिल जाएगा। पूरा जिंदगी झंड हो गया साला, जिसको देखे औधी बौधी काली कुलिट्टी, सब लड़की का बॉयफ्रेंड है, एक मेरा ही नहीं है। साला इतना खूबसूरत है, फिर भी साला कोई लड़की नहीं मिलता, मिलता भी तो साला बुढ़ा तुड्ढा, जो मिलता वो अच्छे नहीं लगता है, लड़का कब मिलेगा हमको। जरा सुनो, ईगो खत्म हो जाए तो मैसेज कर देना, ईगो खत्म हो जाए तो मैसेज कर देना, मिस हम भी बहुत करते हैं आपको। बेबी फाइनली हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। बताओ। मेरी 10-15 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ। अरे बेबी मुझे पता है, जब कुंडली मिलती है तो गुड़ भी मिलते होंगे ना। क्या कह दिया? चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम नहीं रहे तो याद कौन करेगा। मानो कि हम इतने अच्छे नहीं हैं कि आप याद करो हमेशा हमें, पर एक बात बताओ, अगर हम नहीं रहे तो आपको परेशान कौन करेगा। एक इंसान ने किसी कोयल से कहा कि अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहा कि अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। उस गुलाब से कहा कि अगर तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इस पर तीनों ने मिलकर एक जवाब दिया, अरे ओ इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक आपके पास पैसा है ना, दोस्त यार रिश्तेदार पूछेंगे भाई तू कैसा है, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहा ना, आपका नाम तक लोग भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी पहचान बनाना सीखो, ना कि दूसरों की परछाई बनकर जीना। लॉकडाउन में शादी होने पर सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा बता दियो जी। नुकसान पड़ोसियों को होगा, क्योंकि हराम का खाना खाने को ही नहीं मिलेगा। एनिमल्स के पास सबसे प्यारा दिल होता है, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही देख लो। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते। झगड़ा खत्म करने का क्या लेगी यार, बस वो 3 वर्ड्स मुझे सुना दो, झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा। आई लाइक यू? नहीं। आई लव यू? नहीं। आई मिस यू? गुस्सा मत चढ़ाओ। ओके आई एम सॉरी। दैट्स बेटर। मासूमियत लुट। तुमने तो कहा था ना हर शाम तुम्हारा हाल पूछा करेंगे, तुमने कहा था ना कि हर शाम तुम्हारा हाल पूछा करेंगे। तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम ही नहीं होती। हर पल उसे सोचना, हर पल उसे खोजना, हर पल उसे सोचना, हर पल उसे खोजना, कभी उसे पा लेना, कभी उसे खो देना। मैं अजीब, मेरी मोहब्बत उससे भी अजीब, उसे याद करना और फिर रो देना। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तो कोई नहीं। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, जब मृत्यु हुई तो कोई नहीं। रावण भी अपार शक्तिशाली था, जब जली लंका तो कोई नहीं। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे, जब चक्रव्यूह में थे तो कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, मुसीबत का सामना ना खुद ही करना पड़ता है, साथ देने वाला कोई नहीं होता। सिगरेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान बहुत अमीर है। शराब इम्पॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन उसे बनाने वाला इंसान भी बहुत अमीर है। और खाना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इंसान जो उसे पैदा करता है वो आज भी बहुत गरीब है। पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तू रूम में जा, मेरे को इससे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है पापा। निदा, तुम्हारे डैडी मुझे 5 लाख रुपए देके मेरा प्यार खरीदना चाहते हैं। पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है, इसका प्यार बिकाऊ है? बेटा, ये ऑफर तू ले ले। निदा, कौन हो आप भाई? क्या हुआ, इतनी सी तो चोट है, क्या ड्रामे कर रहा है? ध्यान रखा करना, क्या करता रहता है पागल सा, सही में ना बांध इसको। बे यार, हेलो दीप, अबे जल्दी यार, विशु को चोट लग गई। हाँ स्कूटी लेके आ, 2 मिनट के अंदर इधर मिलना चाहिए। हाँ जल्दी आ। ओके चल, क्या घूर रहा है, चल